हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए, सरकार की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मैं इसको कहता हूँ। अब आप कहोगे यार, ये तो सरकारी शेयर है, पीएसयू शेयर है, बेकार शेयर होगा। जी नहीं, पीएसयू सेगमेंट में भी बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर है जो कि अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और सरकार को पैसा कमा के देते हैं, यानी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इसीलिए कहता हूँ मैं इसको। इस शेयर में कुछ पॉजिटिव दिखा है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन अभी भी खरीदने का टाइम नहीं है, लालच में आने का टाइम नहीं है। अब आप कहोगे यार, आपने इतना पेशेंस कैसे रखा हुआ है जो खरीदने के लिए हमको भी इतना पेशेंस रखवा रखा है। अब आप खुद सोचिए, अगर 2 हफ्ते पहले आप खरीद लेते शेयर को तो आज कहाँ पे होते हैं आप? ज़रा सोचिए इस चीज़ को, इसी चीज़ को सोचिए और आपके आसपास की कंडीशन को देखिए, समझिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू बाय, मैं कहूँगा, अभी भी मैं यही कहूँगा, दिस इज़ नॉट द टाइम टू बाय। लोग कहेंगे आपको 5 शेयर खरीद लो, 10 शेयर खरीद लो, थोड़ा सा 5% का खरीद लो। मेरा तो यही मानना है, एक बार ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिले, ज़रा लेट मिले शेयर, थोड़ा महंगा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा डूबना नहीं चाहिए। पैसा कम कमाया जाए लेकिन पैसा डूबना नहीं चाहिए, पहली प्रायोरिटी यही है। और बात करते हैं शेयर की थोड़ा सा डिटेल में, साथ में ग्लोबल फैक्टर को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। बात आती है ग्लोबल फैक्टर की, जरा तेल को देख लीजिए आप। WTI क्रूड पॉजिटिव देखने को मिला भाई, $20-22 के आसपास ही आ गया था, अब 26 तक पहुंच चुका है। ब्रेंट क्रूड 25-26 तक आ गया था, अब 30 तक पहुंच गया। तो मतलब पॉजिटिविटी जरूर है। और उसके अलावा ग्लोबल मार्केट में, जैसा कि आपको पता है कि भाई निफ्टी हम देखते हैं सिंगापुर की निफ्टी में, क्योंकि वो सुबह सुबह ओपन हो जाती है। सिंगापुर की निफ्टी में क्या हाल चल रहे हैं, देखिए 44 पॉइंट ऊपर जरूर है लेकिन फ्लैट है, वही वॉलेटाइल एनवायरनमेंट, कभी ऊपर कभी नीचे, 20 मार्च का ये डेटा है। उसके अलावा मैं हैंगसेंग देखूँ अगर, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ताइवान में ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कॉस्पी में ज़्यादा पॉजिटिविटी है। लेकिन इनके अलावा कुछ मैं कल की डिटेल आपको दिखाना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अमेरिकन मार्केट के मैं हालात देखूँ तो SDFC बैंक, ICICI बैंक के मुझे हालात बुरे लगे हैं। ये ADRs हैं, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हैं, जो अमेरिका में लिस्टेड हैं इन बैंक्स के। तो यहाँ पे मुझे हालत बुरी देखने को मिल रही है, ज़रा देखिए 12% की गिरावट दोनों के ADRs में देखने को मिल रही है। और इन्फोसिस के ADR को आप देख सकते हो, देखिए 3% यहाँ पे भी गिरा है। टाटा मोटर्स, विप्रो, मतलब स्थिति अभी भी इसी तरीके से बनी हुई है। इवन अगर आप देखो डाउ जोन्स और नैसडेक थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, बट यहाँ पे ये नंबर्स आपने देखे हैं। और हम बात कर रहे थे यहाँ पे सरकारी शेयर की, उसकी भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं क्या कुछ मार्केट में चल रहा है, और इन नंबर्स को देख लीजिए, ये नंबर्स काफ़ी दयनीय स्थिति में है। चाइना को सरपास कर लिया, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि चाइना के नंबर्स पे मुझे यकीन नहीं होता। अगर आप देखें 80,000 टोटल केसेस में से चाइना ने रिपोर्ट किए हैं 3200 डेथ। ऑल्दो ये जियोग्राफिकल इशू भी हो सकता है, बट स्टिल मैं चाइना के नंबर्स पे इतना क्लियरली विश्वास नहीं करता, क्योंकि चाइना एक, मैं कहूँगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इटली के नंबर्स, आप देखिए किस तरीके से 3400 नंबर आ चुका है डेथ का, जो कि सरपास कर चुका। और कल हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इटली में 5000 नए केसेस थे, उसके अलावा अमेरिका में भी 5000 नए केसेस थे, जर्मनी में ऑलमोस्ट 3000 और स्पेन में भी 3000 केसेस थे। डेथ की बात की जाए तो स्पेन, ईरान भी डेथ में लीड कर रहे हैं, देखिए बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। और फ्रांस भी 100 डेथ से ज़्यादा कल फ्रांस में भी देखने को मिली है। तो नंबर्स जैसे जैसे सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, देखिए लोग सीरियस हो रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो फिर आगे वो डेथ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, इस चीज़ को समझिए। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बताया करता हूँ ये नंबर्स, ताकि आप खुद को रोक पाओ, समझ पाओ सिचुएशन को। हम बात कर रहे थे पेट्रोनेट LNG की, जो कि सरकारी अंडा, सोने की अंडा देने वाली सरकारी मुर्गी है। 197 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेल्स ग्रोथ देखिए और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है। आप इसका PEG रेशियो देख सकते हो, कोई डेट नहीं है कंपनी के, हर 10 रुपए पे 1 रुपए कमा के देती है। अब आपको क्या, अच्छे अच्छे शेयर नीचे हैं तो ये क्या ये अच्छा शेयर नहीं है? ये बहुत अच्छा शेयर है, मैं कहूँगा। डिविडेंड भी है, सेल्स ग्रोथ भी है, और सरकार का 50% का इसमें होल्डिंग भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें मुझे देखने को कल मिला, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए इसमें मुझे एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मैं 15 मिनट के चार्ट से पहले आपको 1 आवर का चार्ट दिखाना चाहता हूँ, या फिर मंथली से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको हमेशा जो पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही रहती है, मेरा बेसिक फंडा होता है। जब भी टेक्निकल में, मैं आपको एक रिटेल इन्वेस्टर को कहता हूँ कि टेक्निकल को समझिए, टेक्निकल में आइए। इसमें मेरी एक मेन डेफिनेशन होती है, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। देखिए ये अप ट्रेंड है, हायर हाई और हायर लो की सीरीज। और डाउन ट्रेंड में आपको बता रखा कि अब एक डाउन ट्रेंड क्या होता है, देखिए
लोअर हाई और लोअर लो की सीरीज जो है ये डाउन ट्रेंड है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम में, आप टाइम फ्रेम हमें क्या फायदा देता है, टाइम फ्रेम हमें उसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखने की हमको बताता है चीज़। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्टिव, दिस इज इम्पल्स पूरा, अब ये करेक्टिव एक्शन चला हुआ है, देख लीजिए। अब आप एक पर्टिकुलर छोटे एरिया में चाहिए तो आपको इसी में ये इस तरीके से फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, इम्पल्स करेक्टिव। अब आप देखिए इम्पल्स करेक्टिव थोड़ा सा इम्पल्स दे देखिए, और ये करेक्टिव। अब इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो आप कहोगे हाँ ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, आप तो कोई ऐसा कोई अलग से चीज़ तो बता नहीं रहे हो। देखिए अलग से कुछ नहीं है, यहाँ पे इसी यही बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चल रहा है। अगर आप ओवरऑल देखो यहाँ पे 2017 अक्टूबर से ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे बना, राउंडेड एक बेसिंग काइंड ऑफ देखने को मिली। जैसे ही पार करने की बारी आई मार्केट क्रैश हो गया, मीन्स इसको पार करने की बारी आई तो मार्केट बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए था कि 200 के लेवल पे ये जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति थी काफ़ी नीचे आ गया, 170 के लेवल पे चला गया। अब अभी के टाइम पे आप किसी भी स्टॉक को उठा लो, उसका अगर वीकली देखोगे, मंथली देखोगे, इवन डेली भी देखोगे तो सब कुछ नेगेटिव में ही पड़ा है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव में नहीं है। तो क्या बनता है हमारे पास, आवरली देखने को। अब मैं आवरली में यहाँ पे देखता हूँ, देखिए कल की डेट में मुझे वही हालत देखने को मिली जो 13 मार्च को था, इसीलिए मैं आपको कह रहा कि अभी भी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन 13 मार्च से लेके कल की डेट में थोड़ा ज़्यादा बढ़िया चीज़ देखने को मिली, क्योंकि 13 मार्च को जो एक सिंगल कैंडल इतनी ज़बरदस्त बन गई थी, जो कि दिखा रही थी कि हाँ ये सस्टेन नहीं कर सकती चीज़ें, ये बस एक अभी जंप है खाली, एक सस्टेन करने वाली चीज़ नहीं है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये गया, अब इतने बड़े इम्पल्स का थोड़ा करेक्टिव तो चाहिए। तो दिस इज़ इम्पल्स, दिस इज़ करेक्टिव, दिस इज़ अगेन इम्पल्स, तो ये क्या करेक्टिव तो नहीं है? अब आप कहोगे हाँ ये भी करेक्टिव हो सकता है इसी तरीके से, डेफिनेटली ये करेक्टिव हो सकता है, बट हमको क्या देखना है, हमको समझनी है चीज़ है। कल की डेट में मुझे बढ़िया पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली, आवरली पे आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आवरली के बाद 15 मिनट और 5 मिनट इंट्राडे वालों के लिए हमेशा कहता हूँ कि इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें होती है। ज़रा देखें यहाँ पे सुबह सुबह जंप आता है, बिल्कुल लो बनने के बाद जंप आने के बाद इस पॉइंट को देखिए, और ऐसी चीज़ आप फायदा ले सकते हो इंट्राडे में। ये आपने देखिए 15 मिनट पहले, 15 मिनट पे ये जंप आया, और उसके बाद 3 15 मिनट की जो कैंडल आपको देखने को मिली, बिल्कुल इनको मैं कहता हूँ लायंस अटैक कैंडल, लायंस अटैक कैंडल, ये मतलब एक स्टेप दो स्टेप पीछे जाना और फिर जाके छलांग लगाना, ये इंट्राडे वाले के लिए और या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अगर आपको दिखा एक दिन पूरा जंप आया फिर थोड़ा सा हॉल्ट आया, ये हॉल्ट जो है वो 30% के आसपास तक वेरी कर सकता है, 30-35% के आसपास, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, फिर ये आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। और फिर जब ये रिजॉल्व होता है और रिजॉल्व होते ही फिर अगली छलांग लगाता है, तो देखिए कितनी बढ़िया आपको शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें मिलती है इस तरीके से देखिए, और ये डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। और वही चीज़ अगर यहाँ पर रिजॉल्व होने के बाद किसी ने एंट्री ली होगी तो देखिए कहाँ तक ये गया है, स्टॉप लॉस आपके पास बिल्कुल यहाँ पे लो पे स्टॉप लॉस है। उसके बाद आपने देखा कि फिर से अब ये कैंडल जैसे मैंने कहा ओनली 30% के आसपास तक रहना चाहिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें कितनी लंबी लोअर शेडो थी, मतलब ये अच्छा सिग्नल नहीं है। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ जब रिजॉल्व होनी थी वो यहाँ पे हुई, देखिए रिजॉल्व हुई यहाँ पे और फिर से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे शाम को आते आते पॉजिटिविटी की हमने बात जरूर करी है, अभी मैं आपको यहाँ पे देखिए ये इम्पल्स करेक्टिव इम्पल्स बनता हुआ दिख रहा है, अब ये करेक्टिव बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये शाम को आते आते बड़ी लंबी अपर शेडोज देखने को मिली, जो कि थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, और अब ये ज़्यादा अगर यहाँ पे करेक्टिव डीप होता है तो फिर नुकसान की बात यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बड़ी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है लास्ट के 4-15 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर, अब इसी चीज़ को हम देखेंगे थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे। अब ये जो बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम का नज़रिया है ये मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप इसको देखें, आप टेक्निकल एनालाइज कर रहे हो किसी चीज़ को, तो ऐसा नहीं कि एक चीज़ आपने उठा लिया और उसी के ऊपर काम करो, थोड़ा मेहनत थोड़ा। और दूसरी चीज़ ये प्रीवियस क्लोजिंग जो कल की थी उसको पार कर चुका था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंट्राडे है 5 मिनट में अगर गए होंगे तो उनकी कमाई का पॉइंट, कमाई कैसे हुई होगी उनकी, देखिए सीधे यहाँ तक उन्होंने गए, अभी तक उन्होंने कहा चलिए यार अभी तो वोलेटाइल एनवायरमेंट है, कोई कमाई का साधन नहीं है। जैसे ही इस क्लोजिंग को पार किया गया और ये करेक्टिव जो है वो रिजॉल्व, ये करेक्टिव रिजॉल्व आपका यहीं पर हो गया था क्योंकि डाउन ट्रेंड की जो लाइन चल रही है आपने यहीं पर देखा था कि जो है हायर लोज बन गया है, हायर हाई यहीं पे बन गया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था 186 के लेवल पे, 186 से 190 का लेवल, 4 रुपये का, 1000 शेयर भी आपने अगर बाई किए होते तो 4 रुपये पर शेयर का, 4000 की कमाई आपका, आपका स्टॉप लॉस भी आपके पास था।
लेकिन धीरे धीरे जाके यहाँ पे अगर ये रिजॉल्व हो तो उसके बाद आपका पोजीशन साइज इंक्रीज करते हुए कहाँ 200 के लेवल तक, मान लीजिए देखिए 190 से 200 के लेवल, यानी कि 10 रुपये, 10 रुपये, 4 रुपये ऑलरेडी, 14 रुपये पर शेयर की कमाई एक दिन के अंदर, क्या देखिए बहुत ही जबरदस्त। अब फिर से जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये इम्पल्स था, ये करेक्टिव था, ये इम्पल्स था, ये करेक्टिव का भी काम कर सकता है, और लेकिन आपको इस डाउन ट्रेंड में जो बड़ी बड़ी दो लाल कैंडल देखने को मिली, थोड़ा सा खतरा जरूर दिखा रही है, लेकिन पॉजिटिविटी इस लेवल को जैसे पार कर ले, डाउन ट्रेंड को पार कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तैयार है। देखिए स्टॉप लॉस तैयार, स्टॉप लॉस को खरीदने से पहले देखें। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके से अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।